Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing real numbers and this is video lecture number 7, and I hope you have already watched part 1 to part 6 before watching this part 7. Today we are going to discuss irrational numbers, and there are some fundamental theorem on arithmetic as well. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑन अरिथमेटिक ये क्या है, सबसे पहले इसको सीखते हैं। इस थ्योरम को सीखने के बाद ही हम कई सारे इरेशनल नंबर्स को प्रूव कर पाएंगे कि ये इरेशनल ही है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर और रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर लाइक दैट। सो सबसे पहले उस थ्योरम को सीखते हैं जिसके आधार पे हम ये बात करेंगे, और इरेशनल नंबर को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। सो इरेशनल नंबर में आपको जैसे पता है कि रियल नंबर्स और नंबर्स को रियल नंबर्स अभी सीख रहे हैं आप, इमेजिनरी नंबर तो नहीं सीखे, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर में एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ये आपने 9th क्लास में सीख रखा है इरेशनल नंबर क्या होता है और रैशनल नंबर क्या होता है, बट फिर भी एक बार रिवीजन कर देते हैं चैप्टर को शुरू होने के पहले। रियल नंबर के रैशनल नंबर के बारे में कहा जाता है कि द नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट, नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ, कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू where q is not equal to 0 and p and q are integer. p and q are integers called rational number, है ना? called rational number. rational numbers, है ना? और irrational number के बारे में all real number except rational number is an irrational number, ठीक है, ये कह सकते हैं all real numbers which are not rational, are irrational, है ना? ये भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई नंबर, रियल नंबर जो p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट न किया जा सके, जहाँ p और q इंटीजर हो, तो उसको हम कहेंगे इरेशनल। तो ये इरेशनल नंबर आपको पता चल गया। ये भी पता है कि अगर कोई नंबर है तो उसको, इसमें हमने बताया था कि इसमें प्राइम और कंपोजिट नंबर्स होते हैं, एक वन होता है, एक प्राइम होता है और एक कंपोजिट होता है। प्राइम नंबर एक वन होता है और एक कंपोजिट नंबर होते हैं। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो प्राइम नंबर में सिर्फ एग्जैक्टली टू डिवाइजर्स होते हैं, एग्जैक्टली टू डिवाइजर्स होता है ना, ये आपको पता है। और कंपोजिट में एटलीस्ट थ्री डिवाइजर्स होने चाहिए, थ्री डिवाइजर्स ये होते। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, जैसे इसमें 2, 3, 5, 7 ये सब प्राइम नंबर्स हैं, और ये 4, 6, 8, 9, 10 ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो ये आप कंपोजिट नंबर, जैसे कोई हम नंबर 10 ले रहे हैं तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 5। इसका मतलब हुआ कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये हमने पहले बात कर लिया है, ये आपने 9th क्लास में भी वैसे सीखा होगा। तो जैसे कोई नंबर है 24, तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 4 एंड 4 into 2 8, 8 into 3 24। इसका मतलब है कि ये यूनिक है और कोई फॉर्म नहीं हो सकता। इसको ज्यादा से ज्यादा 2 का पावर 3 into 3 लिख सकते हैं, लेकिन और कोई अलग प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो इस कैरेक्टरिस्टिक का हम इस्तेमाल करेंगे और एक थ्योरम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, ठीक है। और वो क्या है थ्योरम, कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करता है, पॉजिटिव इंटीजर वो कंपोजिट नंबर ही होगा, है ना? कोई प्राइम नंबर किसी कंपोजिट नंबर को डिवाइड करता है, के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना? कैसे, देखिए थ्योरम, ये थ्योरम क्या है, ये यही थ्योरम है। और थ्योरम क्या है ये लिख देता हूँ यहाँ पे।
थ्योरम की स्टेटमेंट है कि इफ पी बी एनी प्राइम नंबर, पी डिवाइड्स पी डिवाइड्स इफ पी डिवाइड्स, ये थ्योरम है, इफ पी डिवाइड्स ए पॉजिटिव नंबर ए स्क्वायर देन पी ऑल्सो डिवाइड्स ए, ये है थ्योरम। अब हम कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं? आप चाहें तो वैसे प्रूफ जरूरी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं प्रूफ। क्या प्रूफ कर सकते हैं? बच्चा पूछ रहा है कैसे प्रूफ करें। तो मान लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू, ए कोई प्राइम नंबर है, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव नंबर, एंड ए कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ पी वन पी टू पी थ्री, ऐसे ये प्राइम फैक्टर्स है पी एन तक, वेयर पी वन पी टू पी थ्री और पी एन क्या है, आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए। बोलिए हो सकता है ऐसा? अब हम ए स्क्वायर कर रहे हैं। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी वन इंटू पी टू इंटू पी थ्री इंटू पी एन होल स्क्वायर, राइट? ये हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि पी वन स्क्वायर इंटू पी टू स्क्वायर इंटू पी थ्री स्क्वायर इंटू पी एन स्क्वायर अप टू पी एन स्क्वायर, ऐसा होगा है ना। तो ये होगा अप टू पी एन स्क्वायर। अब इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, चूंकि ये यूनिकली, ये यूनिक होना चाहिए, एवरी प्राइम नंबर्स कैन बी, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंट यूनिकली, तो ये यूनिक होना चाहिए। और अगर p डिवाइड कर रहा है तो इसी में से कोई एक फैक्टर होगा। सिंस p डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p मस्ट बी एनी वन ऑफ p1 p2 p3 से लेकर के pn तक, इसी में से कोई एक होगा, होगा ना? तो p इसी में से कोई एक होगा। और a, सिंस a इज इक्वल टू p1 p2 p3, तो अगर p इसी में से p1 p2 p3 में से कोई होगा तो इसमें भी होगा, जरूर इसमें भी होगा, इस p1 p2 p3 में से भी कोई होगा। तो इसका मतलब है कि p इनमें से, सपोज करो कि p1 ही है, तो p1 इसमें भी फैक्टर है तो a को भी डिवाइड करेगा, एंड देयरफॉर c p मस्ट बी एनी वन ऑफ देम, एंड देयरफॉर P must be also any one of the factor of A, है ना? और अगर किसी का फैक्टर है तो उसको डिवाइड करेगा ही, जैसे टू सिक्स का फैक्टर है तो टू सिक्स को डिवाइड करेगा, एंड देयर फोर पी मस्ट डिवाइड ए ऑल्सो। तो थ्योरम हो गया, यही प्रूफ हो गया, दिस इज प्रूफ। थ्योरम है कि अगर कोई पी प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना? तो ये थ्योरम, इस थ्योरम के इस्तेमाल से हम आगे प्रूफ करेंगे कोई नंबर्स की ये रैशनल है कि इरेशनल है। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे। जैसे आप क्वेश्चन एक लेते हैं और क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ऐसा किसी भी नंबर को प्रूफ करने के लिए कि रैशनल नंबर है, पहले उसे आप मान लीजिए कि वो एक रैशनल नंबर है। तो सॉल्यूशन यहां से लिखेंगे, लेट
रूट टू इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर, राइट ना। और हमने क्या सीखा कि एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, सो देयरफॉर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक चीज इसमें और मान लेते हैं कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड हैज नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, अदर देन वन, ठीक है। इसको कहते हैं कि अगर वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसको कहते हैं रिलेटिवली को प्राइम, रिलेटिवली को प्राइम नंबर, सिंपली को प्राइम भी कह देते हैं, पूरा नाम इतना लंबा है याद रखने की जरूरत नहीं है। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ये मतलब इनमें कुछ कॉमन नहीं है, ई और क्यू में सिंपलेस्ट फॉर्म है। सो देयरफॉर रूट टू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी बाई क्यू, है ना। सो रूट टू को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पी इज इक्वल टू रूट टू क्यू हो गया, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर हो गया। इसका मतलब पी स्क्वायर का टू एक फैक्टर हो गया, तो टू इसका फैक्टर हो गया तो टू इसको डिवाइड करेगा। इसका मतलब पी स्क्वायर टू से डिवाइड होगा, सो देयरफॉर टू डिवाइड्स पी स्क्वायर, डिवाइड्स पी स्क्वायर, एंड देयरफॉर बाय थ्योरम टू डिवाइड्स पी एज वेल, टू डिवाइड्स पी आल्सो बाय थ्योरम, है ना। अभी जो थ्योरम सीखा था ए मान लेते हैं, और टू अगर पी को डिवाइड कर रहा है तो लेट पी इज इक्वल टू टू एम मान लेते हैं, या टू के कुछ मल्टीपल तो होगा, एम फॉर एन, फॉर एनी इंटीजर एम, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एम, है ना। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर एम स्क्वायर, बोलिए। एंड देयर फोर फ्रॉम फर्स्ट वी कैन पुट पी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर देंगे, फोर ए स्क्वायर, फोर एम स्क्वायर यहाँ पे। एंड देयर फोर फ्रॉम फर्स्ट पी फोर एम स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर, इसका मतलब हो गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि टू भी फैक्टर हो गया क्यू स्क्वायर के, तो टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, एंड देयर फोर एज रिजल्ट ऑफ दिस थ्योरम टू डिवाइड्स क्यू एज वेल, क्यू ऑल्सो। और ये हो गया बी, अब पी डिवाइड्स टू डिवाइड्स पी और टू डिवाइड्स क्यू। अभी हमने थ्योरम में क्या शुरू में सपोज किया था कि कुछ भी कॉमन नहीं है, पी और क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है, देयर फोर फ्रॉम एन बी टू इज ए कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, विच कंट्राडिक्ट आवर, विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर सपोजिशन, सपोजिशन जो हमने सपोज किया था उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, या एजम्पशन भी लिख सकते हैं इसको, एजम्पशन हमने माना। तो जो एज्यूम किया था हमने कि पी रूट टू जो है बेसिकली क्या है, रैशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, इरेशनल। देयरफॉर रूट टू इज नॉट रैशनल, नॉट रैशनल जो हमने माना था, इट मीन्स रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हो गया, तो इस तरह से आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी कि क्यू डिवाइड्स, टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, इसलिए टू डिवाइड्स क्यू एस ऑल्सो। यहाँ पे टू डिवाइड्स पी स्क्वायर एंड देयर फोर टू डिवाइड्स पी एज वेल, यही दो बातें, और ये इससे हमें कॉमन मिल गया। यानी
यहाँ पे अगर पी को डिवाइड कर रहा है टू से, तो टू इसका एक फैक्टर होगा, और फॉर कितने गुना कुछ मल्टीपल होगा, एम फॉर मल्टीपल, और एम है क्या, कोई इंटीजर है, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4m2, इसको फर्स्ट में रख देंगे और आपको ये मिल गया कि क्यू का भी फैक्टर है। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा है √5 इज एन इरेशनल, लेकिन इसी तरीके से हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, लेट √5, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले, ये तो सिमिलर क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, उसके बाद इस पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कहा जाए कि 2 - √3 इज एन इरेशनल, ये प्रूफ कीजिए, है ना, क्वेश्चन हो सकता है दूसरा, पहले ले लेते हैं एक क्वेश्चन और, प्रूव दैट 2 - √3 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे भी ऐसा ही करना होगा कि हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि इरेशनल नहीं रैशनल, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट 2 - √3 इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, एंड देयर फोर 2 - √3 कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विच हैज नो कॉमन फैक्टर विच आर को प्राइम। को प्राइम में का मतलब ही हो गया कि नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, ठीक है। तो ये एक हमने मान लिया कि रैशनल है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो 2 - p/q इज इक्वल टू √3 हो गया। ऐसा करने से 2 क्या है, 2 एक रैशनल है ना, और p/q हमने क्या माना है, रैशनल, और रैशनल नंबर में कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, रहेगा वो रैशनली। तो द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर, सो द LHS इज डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर व्हिच इज रैशनल, वाइल √3 इज एन इरेशनल, इरेशनल। दस LHS इज ए रैशनल एंड दस दस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS सिंस रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है ना, दोनों दो तरह के नंबर है, सो इट कैन नॉट बी कंपेयर फॉर इक्वलिटी, राइट। एंड देयर फोर क्या माना हमने, जो माना था वो गलत था, लिख देंगे इट कंट्राडिक्ट्स आवर assumptions and therefore 2 - √3 is an irrational number। कई स्कूल में ये कहते हैं कि √3 को प्रूफ करके, और कई टीचर्स का ऐसा रिजर्वेशन होता है कि √3 को पहले इरेशनल प्रूफ करो, यहाँ सीधे लिखने से बात नहीं बनेगी, हमने यहाँ सीधे लिख दिया ना कि √3 इज एन इरेशनल, लेकिन ये जबरदस्ती वाली बात है, आप टीचर कहें तो √3 को, जैसे ऊपर √2 को इरेशनल प्रूफ किया है, वैसे प्रूफ कर सकते हो, लेकिन ऐसी जरूरत होती नहीं है, ठीक है ना। कोई कोई टीचर लोग जिद्दी होते हैं तो वो ऐसा करते हैं कि आप ऐसा करो, या क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 4 मार्क्स का है तो इतनी छोटी सी बात लिखने के लिए 4 नंबर देने में उनको दिक्कत होती है, जैसे कि घर से नंबर देना है, ठीक है ना, या बैंक में से नंबर ले आके, अपने बचत बैंक में से ले आके देना है, इसलिए उनको दिक्कत होती है। तो वैसी स्थिति में अगर टीचर कहते हैं तो उनका रिकॉर्ड करें और उसको पहले प्रूफ कर दें, अगर नहीं तो ऐसी कोई लिखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कुछ देख पाए कि हमें रैशनल और इरेशनल कैसे प्रूफ करना है ना। इस वीडियो को पहले अच्छी तरह से समझें और बेसिक जो ये थ्योरम्स हैं इसको अच्छी तरह से समझ के याद करें, और इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो पहले उसे दूर करें,
क्योंकि जब तक ये फंडामेंटल चीज आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी तब तक आगे करना इसके लिए मुश्किल होगा। पहले ये अच्छी तरह से समझ लें, और जो बातें बताई गई है वो अगर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ये दो तो टाइप के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, तो अगले दिन हम एक्सरसाइज भी जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होती है और उसके बाद फिर क्वेश्चन होंगे। तो पहले आप इसको खूब अच्छे से समझ लें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। और ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी कहें और बेल आइकन को भी दबाएं।